को देखकर मुझे आपके भीतर का ये हौसला और दृढ़ होता प्रतीत नजर आया है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते फोर्स और वर्दी से मेरी आत्मीयता बहुत गहरी है। मैं जब भी किसी व्यक्ति को वर्दी में देखता हूं तो निश्चित रूप से उसके प्रति मेरा सम्मान और अधिक बढ़ जाता है। मेरा बचपन सैनिकों के बीच में बीता है। मैं स्वयं एनसीसी का कैडेट रहा हूं। मेरा अनुभव भी आप जैसा ही है। शायद इसलिए मैं आपको, चुनौतियों और आपके भाव को बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूं। हमारे प्रदेश में वो चार धाम यात्रा हो या फिर कुंभ का आयोजन हो, होमगार्ड्स के जवानों ने हर स्थिति में बेहद अहम भूमिका उनकी रहती है। होमगार्ड्स सुदूर पर्वतीय ग्रामीण अंचलों में भी पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर शांति व्यवस्था रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चाहे वो वर्तमान व्याप्त कोविड-19 महामारी की स्थिति हो या समाज के बीच उत्पन्न हुई कोई आपातकालीन स्थिति, आज चुनौती किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकती है। ऐसे में हमें हर स्तर पर हर तरह से इन चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम होना होगा। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम हमारी होमगार्ड फोर्स का लगातार विस्तार करने की ओर सोच रहे हैं। हमारा ध्यान आपको मिलने वाली ट्रेनिंग में और अधिक विस्तार देने पर भी है। और राज्य में होमगार्ड्स के जवानों की संख्या अभी 6,500 है। हम निश्चित रूप से इसको भविष्य में इसको बढ़ाने की ओर निश्चित रूप से कदम बढ़ाएंगे। साथ ही होमगार्ड निदेशालय में समूह गौ के पदों पर होमगार्ड्स को 25% का आरक्षण भी तय किया जा चुका है। हमारी सरकार लगातार आपके सशक्तिकरण पर ध्यान दे रही है। फोर्स का सर्वांगीण विकास हमारी सरकार की योजनाओं का एक अहम हिस्सा है और हम पूरी गंभीरता के साथ इस ओर कार्य भी कर रहे हैं। मैं पुनः आपको भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार सदैव आपके साथ रहेगी। साथ ही समस्त होमगार्ड जिन्होंने इस वर्ष और पिछले वर्ष लगातार कोविड महामारी में आप सभी लोगों ने अपनी जान पर खेलते हुए लगातार लोगों को एक सेवा का कार्य किया है, लोगों की जान बचाने का काम किया है, हमेशा बढ़ चढ़ कर आपने सेवा भाव से काम किया है, इसलिए इस ड्यूटी में जो भी तैनात थे उनको मैं 6,000 रुपए का अलग से मानदेय देने की भी घोषणा करता हूँ। आज के अवसर पर पुनः, चूंकि आज सुंदर दिवस है, आज का ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, ये स्थापना दिवस है, मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। तो आपको बता दें, होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर कार्यरत जो होमगार्ड्स है उनको 6,000 रुपए मानदेय अलग से देने की भी बात कही है।